हे गाइस, आप सब लोग का स्वागत है हमारे चैनल एग्जाम क्रैकर विद एवी में। यहाँ हम लोग बात करने वाले आप लोग ESIC UDC 2019 जो कि आप लोग का पेपर हो चुका है कंप्लीट, ठीक है, प्री का। अब जो आप लोग के डेट्स आने वाले हैं मेंस के एंड उसके एडमिट कार्ड आने वाले हैं, तो सब लोग अपने स्कोर्स चेक कर चुके होंगे कि आप लोग के क्या स्कोर्स हैं शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट्स के, और सबकी आपके कट ऑफ का भी आप लोग का लिस्ट आ चुका है कितना कितना गया हुआ है। तो दिल्ली आर ओ का भी आप लोग का जो है कट ऑफ उतना नहीं गया जितना सोचा जा रहा था, जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। 180 प्लस जाएगा, 180 180 182 समथिंग ऐसा टाइप से कुछ जाने का था। मेरे एक्सपेक्टेशन को थोड़ा नीचे करते हुए थोड़ा कम किया गया कट ऑफ को। बहुत बढ़िया है, कट ऑफ बहुत सही अच्छा गया हुआ है, ठीक है। काफ़ी स्टूडेंट्स जो है बहुत खुश हैं अपने मार्क्स से, और शायद हो सकता है कि नॉर्मलाइजेशन भी हुआ है इसमें बहुत कुछ, ठीक है। तो यहाँ मैं आप लोग को बता दूँ, मेरे स्कोर्स जो हैं वो आप लोग का है 184.5 184.5 आउट ऑफ 200 है मेरा मार्क्स। तो इसके आप इसके बाद का स्लाइड में आप लोग को दिखा दूंगा कि मेरे मार्क्स कितने हैं और कितने सेक्शन वाइज आया हुआ है मेरे को, तो उसको हम लोग डिटेल में देखेंगे। उसके बाद हम लोग ये डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए आप लोग के मेंस के लिए, कि अगर आप आपके मार्क्स अभी 2-3 नंबर से आप लोग निकाले हुए पेपर, तो क्या आप लोग मेंस निकलेगा या नहीं निकल पाएगा, या फिर आप लोग के 40 नंबर ज़्यादा हैं कट ऑफ से तो आप लोग का मेंस 100% निकल जाएगा क्या, या अगर आप लोग को करना है तैयारी करना है तो कैसे करना है, क्या पढ़ना होगा, ये सारा कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो अंत तक देखिएगा, एंड तक देखिएगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं अपना स्कोर कार्ड। तो ये आप लोग का मेरा स्कोर कार्ड देख सकते हो, आप लोग जो शेडेड वाला है उसके सामने आप लोग देख सकते हैं आदर्श वर्मा जो लिखा हुआ है। तो इसमें आप लोग का देख सकते हो, आप लोग मैथ और रीजनिंग में मेरे को 50 आउट ऑफ 50 है, ठीक है। उसके बाद आप लोग GK में आप लोग देखेंगे तो 39.5 आउट ऑफ 50 है, और इंग्लिश में देखेंगे तो 45 आउट ऑफ 50 है। टोटल आप लोग का बन रहा है आपका 184.5। बात कर लेते हैं हम लोग इसके अटैम्प्ट की, मैंने कितने अटैम्प्ट किए थे। मेरे टोटल अटैम्प्ट थे 97 आप लोग के मेरे टोटल अटैम्प्ट थे 97, और 3 क्वेश्चन क्या छोड़ा हुआ था मैंने, 3 क्वेश्चन मैंने GK के छोड़े हुए थे, ठीक है। 25 मैथ में किया था मैंने, 25 रीजनिंग में किया था, 25 इंग्लिश में किया था, लेकिन GK में ओनली 22 किया था, 3 मैंने छोड़ दिया था, ठीक है। और मैंने आके चेक किया था तो जितने मेरे को मार्क्स आ रहे हैं GK में वो तो करेक्ट है, लेकिन इंग्लिश में 5 नंबर कहाँ से कटे मुझे नहीं पता। इंग्लिश का तो किसी को भी नहीं पता रहता है, ठीक है, कहाँ से कट रहा है। इंग्लिश का कोई माई बाप नहीं है, कभी ज़्यादा आ जाता है कभी कम आ जाते हैं, ठीक ही है। 45 ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको, तो कट ऑफ क्लियर करने से मतलब है ना, प्री में मेंस में आपको स्कोर करना है। मेंस में आप लोग को ऐसा नहीं सोचना है कि हाँ इंग्लिश माई बाप है ये वो, नहीं, इंग्लिश वहाँ पर सब कुछ इंपॉर्टेंट होगा, हर सब्जेक्ट आप लोग को ज़्यादा लाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर आप लोग का मेरिट डिसाइड होगा। अभी जो है 1:10 1:15 के रेशियो में निकाला गया है, ठीक है। तो अभी हम लोग का कॉम्पिटिशन बहुत बचा हुआ है, अभी खेल काफ़ी कुछ बचा हुआ है अभी तो, बहुत मतलब अभी बहुत कम स्कोर वाले जो हैं वो बाहर हुए हैं, अच्छे स्कोर वाले सब अभी एक साथ लड़ेंगे मेंस में। तो अब जो है आपको ऐसा हम इंग्लिश माई बाप बना के नहीं चलाना है, GK माई बाप बना के नहीं चलाना है, सिर्फ मैथ रीजनिंग से नहीं होगा, ये दोनों में भी स्कोर लाना है। तो इसको कैसे स्कोर लाना है इसको कैसे स्कोर लाना है एंड कैसे पढ़ना है इस चीज़ के बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो देखिए बेसिकली आप लोग अगर देखेंगे तो सेम है पैटर्न, सेम एकदम प्री में जो पैटर्न था वही सेम पैटर्न आपको देखने को मिलेगा, किस में, मेंस में सेम पैटर्न देखने को मिलेगा आपको। लेकिन डिफरेंस क्या है आप लोग का कि थोड़े पेपर थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। जैसे मैथ में आपको देखने को मिल गया कंपाउंड इंटरेस्ट या कोई भी क्वेश्चन आप लोग को, अगर छोटे लेवल का क्वेश्चन जैसे कि मान के चलिए सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन उठा लेते हैं, हम लोग बोलता है 10,000 रुपये 2 साल के इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट पे इतने रेट पे दिया जाता है, तो उसका कितना होगा सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। तो इसमें PRT दे दिया आप लोग को और सिंपल इंटरेस्ट निकालने बोला, ये हो गया प्री लेवल का। लेकिन अब क्या बोल देगा, 2 साल के सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस इतना है, उसके बाद आप लोग को उसमें तिगड़म घुसाएगा, तो ये थोड़ा सा मुश्किल कर देगा मैथ को। लेकिन आपको डरने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पेपर कि मतलब को मुश्किल क्वेश्चन मुश्किल से आपको 2-3 क्वेश्चन ही होते हैं, उस 2-3 क्वेश्चन को आपको स्किप कर डालना है। मैथ और रीजनिंग का तो मैं जितना मैं सोच रहा हूँ कि आप लोग को ज़रूरत नहीं पड़ेगा कुछ बताने का, सेम रहेगा पैटर्न, सेम उसी को आप लोग तैयारी कर सकते हैं। कहाँ से कर सकते हैं मैं बता देता हूँ। देखिए आप अरिहंत की जो अरिहंत की आप लोग का ESIC का आप लोग का मेंस का एक बुक आएगा, ठीक है, अरिहंत का सुन लीजिए नाम आराम से, आप लोग कहीं नोट कर लीजिए, अरिहंत अरिहंत का आप लोग का ESIC मेंस का एक बुक आएगा, उसको ले लीजिए एंड अभी से हर दिन सेट लगाते रहिए, कम से कम 30 पेपर वाला सेट ले लीजिए आप लोग ESIC मेंस का, ESIC मेंस का आप लोग सेट ले लीजिए, अरिहंत नोट कर लीजिए, बुक का नाम अरिहंत, ठीक है।
सबसे बढ़िया है, उसी लेवल का पेपर आने वाला है। देखिए जिस लेवल का पेपर होता है उसी लेवल का बुक लेना चाहिए रहता है। SBI PO के लिए मैं कभी नहीं बोलूँगा कि अरिहंत लो, IBPS PO के लिए कभी नहीं बोलूँगा कि अरिहंत लो, लेकिन ESIC के लिए मैं बोल रहा हूँ आपको, ESIC UDC के लिए आप लोग को मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग अरिहंत ले लीजिए, अरिहंत ले लीजिए एंड अभी से लगा दीजिए आप लोग सेट बिना वेट किए, ठीक है? क्योंकि टाइम आप लोग के पास है नहीं, बहुत जल्दी आप लोग के एडमिट कार्ड इशू होने वाले हैं और बहुत जल्दी आप लोग का मेंस का एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा और आप लोग के जो बहुत सारे लोग हैं वो कट जाएंगे यहाँ से, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी कॉम्पिटिशन में बचे हुए हैं। तो अरिहंत का बुक लीजिएगा एंड लग जाइए उसमें, ठीक है? मैथ और रीजनिंग वहाँ से तो आपका हो ही जाएगा। इंग्लिश के लिए आप लोग को क्या करना होगा, इंग्लिश भी आप लोग को वहीं से कीजिए, प्लस प्लस ईडियम्स, ईडियम्स आप लोग कहीं से भी आप लोग कर सकते हैं। ईडियम्स आप लोग, ईडियम्स की छोटी सी बुक आती है, छोटी सी बुक्स आती है, उसको छोटी बुक को ही कीजिए, ज़्यादा आप लोग वास्ट में मत जाइए, ठीक है? छोटा छोटा ईडियम्स जो मतलब ज़्यादा फेमस है वही ईडियम पूछेगा। ESIC ईडियम ले लीजिए, फ्रेशर्स ले लीजिए, ठीक है? ग्रामर थोड़ा सा पढ़ लीजिए और फिलिंग द ब्लैंक्स वो सब जो आप लोग हैं अरिहंत से प्रैक्टिस कर लीजिए और काफ़ी है। तीन चीज़ इंपॉर्टेंट है, ग्रामर, ईडियम, फ्रेशर्स, ठीक है? ये तीनों चीज़ आप लोग अलग से कर लीजिए और अरिहंत का इंग्लिश सॉल्व कर लीजिए, ठीक है? अब आ जाते हैं ए जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में बहुत टाइम लगेगा, रोज़ 1-2 घंटा दे दीजिए। क्या को देना है 1-2 घंटा वो बता देता हूँ मैं। देखिए 1-2 घंटा आप लोग दे दीजिए, कोई भी वीडियो उठाइए, आप लोग यूट्यूब में जाइए, ठीक है? यूट्यूब में जाइए, यूट्यूब में जाने से मैक्सिमम आप लोग का टाइम वेस्ट ही होना है। अगर मैं बताऊँ, कोई ना कोई कैप्सूल आएगा, कोई ना कोई कैप्सूल आएगा। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, मेरे को कोई भी कैप्सूल एकदम सही लगा GK के लिए, जिसमें आप लोग को कुछ भी पढ़ने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा कहीं और से, सिर्फ आप लोग को जो है उस कैप्सूल, मतलब कैप्सूल मीन्स आप लोग का होता है एक PDF, कोई एक PDF आएगी, मेरे को कहीं से मिल गया कोई PDF जिसके जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बहुत ही अच्छा होगा। तो उस PDF को मैं क्या करूँगा, इस वीडियो, जिस वीडियो को देख रहे हो आप लोग, उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा या फिर आप लोग को कमेंट सेक्शन में डाल दूँगा, ठीक है? उसको मैं पिन कर दूँगा, तो आप लोग को कब जैसे ही इस वीडियो को आप लोग रोज़ खोल के देखिएगा, कभी ना कभी आप लोग को उस वीडियो मतलब उस स्टार्टिंग में आप लोग को सबसे टॉप में एक कमेंट मिलेगा, उस PDF को आप लोग डाउनलोड कर लेंगे तो उसमें से आप लोग के पूरे GK के क्वेश्चन फंसेंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन उसी में से फंसेंगे। क्योंकि मैंने देखा, मैंने थोड़ा दिन मतलब बहुत कम टाइम में पढ़ा और मेरे को सारे क्वेश्चन फंसे थे, ठीक है? PDF से तो नहीं, पहले का नॉलेज भी था बहुत कुछ, ठीक है? क्योंकि बेसिकली मतलब ये GK पढ़ने का तो मेरे को है ही, हॉबी टाइप का है, तो मेरे को तो बहुत सारा था तो दिमाग में, तो उसके कारण हो गया, अच्छे मार्क्स आ गए। लेकिन आपके लिए मैं एक अलग से PDF डाल दूंगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है? तो मैं आप लोग के लिए एक ही चीज़ बता दूं, मेंस के लिए टाइम आप लोग पास है नहीं, इधर उधर ध्यान मत दीजिए, यूट्यूब चैनल्स वैनल्स आप लोग को क्या बेवकूफ़ बनाएंगे, ठीक है? इधर उधर आप लोग को सोचना ही नहीं है, अरिहंत का बुक उठाइए, अरिहंत का बुक उठाइए एंड लग जाइए सॉल्व करते रहिए मैथ एंड रीजनिंग एंड इंग्लिश को, ठीक है? और GK के लिए मैं बहुत ही जल्द आप लोग को एक PDF इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा, ठीक है? और उसको ज़रूर आप लोग डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड तब तक के लिए धन्यवाद एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।